जय हिंद दोस्तों। पेपर देने से पहले आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार वीडियो को लास्ट तक देखकर रिवीजन जरूर कर लीजिए। और आप लोग पेपर देने जाते हो तो किस भगवान का नाम लेकर जाते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपने भगवान का नाम लेकर पेपर देने जाते हो तो सब कुछ अच्छा होगा। और जैसे आप लोग साइंस में 80 में 40 उखाड़ कर आए हो, ठीक वैसे ही आज भी सोशल साइंस में 80 में 40 उखाड़ कराओगे। तो भगवान का अपना नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं आप किस भगवान का मानते हैं और आपका भगवान साथ जरूर देगा। ठीक है, चलिए जय माँ सरस्वती, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब लोग वीडियो को लाइक करना और अपने अपने भगवान का नाम लिखना। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा चौरी जलियावाला बाग हत्याकांड। क्या होगा? जलियावाला बाग हत्याकांड बी नंबर वाला हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी। तो डांडी यात्रा से हुई थी, सी नंबर वाला आंसर हो जाएगा दूसरा का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन देश से हुई थी, यहाँ पर जापान दिया वो गलत है, लेकिन चीन वाला आपका आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय दल नहीं है तो राष्ट्रीय जनता दल, या फिर यहाँ पर देखिए एक मिनट क्वेश्चन पहले देखिए, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये तो है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी है, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल ठीक है ये नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, भारत ने गणतांत्रिक संविधान की खोज कब अंगीकार किया, मतलब कि इसकी खोज कब किया था। तो इसका आंसर क्या होगा जी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो 15 अगस्त 1947 से, यानी कि गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1950 या फिर 1947। आप लोग ये मत सोचना कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो वही हो जाएगा, नहीं जी नहीं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो बंगला है, आंसर होगा सी नंबर बंगला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, कौन सा सरकार, लोकतंत्र को हम लोग सबसे अच्छे मानते हैं। ठीक है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है जी, सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है जी, सरपंच होता है, याद रखना ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन से, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में संधीय और संसदीय है, आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, तो मद्रास, जिसको हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं, चेन्नई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है जी। तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, आंसर याद रखना सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण हम लोग राजनीतिक दल को कहते हैं, लोकतंत्र का प्राण हम लोग राजनीतिक दल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। तो देखो गेहूं रबी फसल होता है, जो ऑप्शन में ऑलरेडी आपको दे दिया गया है, यहाँ पर गेहूँ एक रबी फसल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हाजीरपुर में स्थित है, सी नंबर वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं, बी नंबर वाला होगा। अगला जस्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। तो अबरक से संबंधित है, बी नंबर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। राष्ट्रीयकरण, बाकी वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण है, लेकिन राष्ट्रीयकरण नहीं है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो देखो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले जारी करते हैं, ठीक है, यानी कि RBI बैंक वाले। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो हार्टले ने कहा था, ठीक है याद रखना। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। तो कृषि क्षेत्र में जी, ए नंबर होगा कृषि क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है देखो, हाँ कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 22 में जिसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आंसर आप लोग कमेंट करके बता देना, ऐसे तो बहुत होंगे लेकिन ऑप्शन कौन सा रहता तो बताते। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना उद्योग होना चाहिए। आंसर आपका क्या होगा जी, खिलौना उद्योग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं, ये वाला होगा सी नंबर वाला, खिलौना उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो डिगबोई असम में ना है, असम में होगा डिगबोई। ठीक है,
अगला क्वेश्चन से, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर दिया जाता है, डी नंबर वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नरेगा जोड़ा गया है मतलब कि, तो महात्मा गांधी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन से, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? अल्पकाल जिसको अल्पकालीन ऋण बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त होगा, ए नंबर वाला, ठीक है। इसका आंसर हमको लगता है कि ए और बी दोनों होगा, देख लेना इसका आंसर, ए और बी, दीर्घ और ऋण दोनों होना चाहिए, ठीक है, दोनों इसका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता चिन्ह का उपयोग आवश्यक है? तो एक मार्क होगा, एक मार्क खाद्य पदार्थों के लिए, और सोने की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग हाल मार्क का उपयोग करते हैं, लेकिन इसका होगा एक मार्क। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंठ से हुई है? सोन नदी, आंसर होगा सी नंबर, सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान से ना, सीमेंट उद्योग जो है ना वो आपके कृषि पर आधारित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि लौह अयस्क है, तो लौह अयस्क एक अनवीकरणीय संसाधन होता है, ठीक है, लौह अयस्क एक अनवीकरणीय संसाधन होता है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो तारापुर, आंसर होगा ए नंबर तारापुर। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा तारापुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन सबका, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, आप लोग याद रखना, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो पटना जिला में सबसे ज़्यादा आबादी है, बिहार के पटना जिला में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है जी? तो जेनेवा में स्थित है, याद रखना जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका, इटली के एकीकरण के लिए निम्न में कौन सा संबंध नहीं है? एक क्वेश्चन थोड़ा गलती प्रिंट हो गया है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, पुद और शक्ति वार एंड पेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो टॉलस्टॉय लिखी थी, यानी कि वार एंड पीस किसने लिखा था? तो यहाँ पर टॉलस्टॉय जी होंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 ईस्वी में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय समाचार पत्रों के मुद्दाता के रूप में भारत के किन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नमक बनाव तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? चंपारण, नहीं डांडी चुना था, क्या चुना था? डांडी चुना था, आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था जी? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था जी? 1905 ईस्वी में हुआ था, इसको अच्छे से रिवीजन कर लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है, महासागर के तली पर होने वाला कंपन का परिणाम क्या है? तो सुनामी, आंसर होगा आपका सी नंबर सुनामी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। और एक मैं आपसे बात बोलना चाहता हूँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइए, जितना हो सके उतना एग्जाम में हेल्प करूँगा। फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल ही जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। सभी विद्यार्थी लोग जल्दी से जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है, सभी लोग, ठीक है, फटाफट।